नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? फिलहाल तो तैयारी चल रही होगी आप लोगों की और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे और जरूरी भी है, समय वही है हमारा हार्ड वर्क करने का। ठीक, बिल्कुल समय को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं वीडियो बना चुका था पहले, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट्स किया था कि सर कूट के प्रश्न डालिए। ठीक, देखो हम जब तैयारी करते हैं ना, 5 मिनट थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, हम लोग सीधा फिर क्लास करेंगे। हम जब ना तैयारी करते हैं ना, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है पता? प्रॉब्लम्स ये होती है कि हम ये नहीं देखते हैं कि पहले हम सरल चीज़ों को ख़त्म कर दें। ठीक, डायरेक्ट अगर हार्ड पे जाओगे, हार्ड क्वेश्चन जाओगे, हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाओगे, तो वैसे ही हमारी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती, हम उसको ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो वहाँ पर हमारा मॉरल डाउन हो जाता है। क्लियर है? मेरा ये तरीका है कि मैं पहले आपको इजी चीज़ें बताऊं, सरल चीज़ों को पहले कंप्लीट करूं, उसके बाद फिर मैं आपको हाई लेवल पर लेकर के जाऊं, ताकि जब हम सरल चीज़ों को करते हुए चलेंगे आगे ना, तो एक हमारे में कॉन्फिडेंस आता है और हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तब तो हम अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, तब तो हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले सरल चीज़ों को कीजिए, उसके बाद फिर हाई लेवल जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी बात देखो, पढ़ाई सब कर रहे हैं, बहुत लोग फॉर्म भरे हैं, बहुत लोगों का एग्जाम है, क्लियर है, मगर सिलेक्शन कुछ लोगों का होना है। क्लियर है? यहाँ पर आप ये बिल्कुल मत सोचो कि हमारा समय बहुत कम बचा हुआ है, एकदम कम समय है, हम तैयारी कैसे करें, इस प्रकार की सोच अपने अंदर बिल्कुल मत लाओ। ठीक, जैसे पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू बना के रखो। ठीक है, कुछ पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखते चलो कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम फटाक से आगे बढ़ोगे तो फिर जो ज्यादा जल्दी स्पीड से हाई में जाता है ना, तो फिर बहुत जल्दी से नीचे भी आता है। क्लियर है? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो कि हाँ हमसे एग्जाम क्लियर होगा, हम अच्छे से एग्जाम को पास कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है, और बिल्कुल क्वेश्चन के लेवल को लेकर के कोई डाउट मत रखो, क्वेश्चन का लेवल हाई जरूर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, मैं एकदम इकट्ठा से किसी चीज पे नहीं आता, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है कि मैं पहले सरल चीजों को कंप्लीट कर दूं, आपको उससे पूरा परिचित करा दूं कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद फिर मैं हाई लेवल पे जाऊंगा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में बात मत लाओ कि क्वेश्चन एकदम स्लो है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, ये सब दिमाग में मत लाइए, सिर्फ अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, अगर कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे जरूर बताएं। क्लियर है? ठीक, ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास हमने देखा था कि राष्ट्रपति, मतलब भाग 5 हमने देखा था, भाग 5 के मैंने पूरे आर्टिकल्स बताए आपको, उसके बाद फिर हमने उसमें आर्टिकल्स के साथ साथ हमने उसके कुछ एमसीक्यू किए। क्लियर है? तो आज मैं आपको पार्ट 5 का दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। दूसरा पार्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें हम केवल एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। क्लियर? और यहाँ पर एक बात और है कि बहुत ब्रॉड विषय है हमारा संविधान, बहुत ब्रॉड विषय है, बहुत आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज ये होता है कि क्या पूरे आर्टिकल्स याद करने? बिल्कुल नहीं। देखो, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, मैं केवल उन्हीं आर्टिकल्स को ही आपको बता रहा हूं। तो आप भी सिर्फ उतना ही कीजिए कि मैं जितने आर्टिकल्स आपको बताते जा रहा हूं, आप उसको एक नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, ताकि आप लास्ट में जब सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में आप उस पूरे आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? और सिर्फ इतने ही आर्टिकल्स पढ़ना है जितना मैं बताते जाऊंगा। अभी फिलहाल मैं 152 तक बता चुका हूँ, सॉरी 151 तक बता चुका हूँ मैं। क्लियर है? उसके आगे हम लोग अभी करेंगे, जितने आर्टिकल्स बताऊंगा उसको पढ़ते चलिएगा, बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा हमको आर्टिकल्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, और जितना बता रहा हूं केवल उतना ही पढ़िए। ज्ञानी नहीं बनना है, फिर से बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्ट निकालना है, पेपर निकालना है, पोस्ट पाना है, और अपना राम राम करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो आज भाग 5 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे एमसीक्यू। क्लियर है? देखते चलिएगा, और उसको यहाँ पर भी मैं आज का जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं काम करूंगा कि इसमें भी एक क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। ठीक है, क्लियर? एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, तो एक बार जोर से, आर या पार, पैदल या कार। चलो थोड़ा सा खुश होकर के, इंजॉय करके पढ़ाई करो,
जितना एंजॉय करोगे ना पढ़ने में उतना मजा आएगा यार, एकदम एंजॉय करो, टेंशन लेकर के पढ़ाई मत करो। टेंशन लेके पढ़ाई करोगे अपना भी दिमाग खराब करोगे, अपना मॉरल डाउन करोगे और फालतू का सब्जेक्ट भी तैयार नहीं होगा। तो एंजॉय करो ना पढ़ाई को, जितना एंजॉय करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए घूमते घामते पढ़ाई करो, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो भाग पांच है आर्टिकल 52 से 151 तक, क्लियर? इसमें संघ है, अब देखते हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक? जो संयुक्त अधिवेशन है, तो आपको मैंने आर्टिकल बताया था, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 108, जो किसके बारे में बात करता है? संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है, जिसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक? और इस सदन की, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, क्लियर? दो मैटर पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन, क्लियर है? ठीक, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, ऑप्शन देख लेते हैं अपन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अब इसका कूट देख लेते हैं। तो कूट में बोल रहा है 1 और 4, बी बोल रहा है 3-4, सी बोल रहा है 1-2 और डी बोल रहा है केवल 4। ये तो आराम से बन गया होगा आप लोग से मेरे ख्याल से, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4, ठीक? केवल 4। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए नहीं बुला सकते, वो तो नॉर्मल है, ये भी नहीं हो सकता, और संविधान में संशोधन के लिए तो बुला ही नहीं जा सकता। तो केवल आंसर क्या हो जाएगा? 4, कि ऐसा विधेयक जिस पर मतभेद हो उस विधेयक को सॉल्व करने के लिए, उस पर अपनी सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक? और उसके बाद फिर उस प्रस्ताव को वहां पर रखा जाता है, क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4, ठीक? चलो सेकेंड क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पूछ रहे ना, ठीक है? ये देखो, बताऊं यहां पर ना, शब्दों पे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हड़बड़ी में होता है कि कई कई जगह हम पढ़ लेते हैं सही है बोलता है, मगर हम जब आंसर करते हैं तो सही नहीं में लग जाता है। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी कई बार ऐसा किया हूँ, आप लोग के साथ भी होता होगा। तो एकदम दिमाग को शांत रखो, एकदम शांत रख के क्वेश्चन को पढ़ना है, इसलिए बोल रहा हूँ। टेंशन मत लो, हड़बड़ाओ मत, धीरे धीरे चलते चलो आगे, क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सही है पूछा है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। पहला बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदायों से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। कूट देख लेते हैं इसका, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 4। चलो अब आंसर इसका क्या होगा, कि राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी पर अपराधी को क्षमा दान की शक्ति है। बिल्कुल सही, आर्टिकल कौन सा? 72, राष्ट्रपति का क्षमा दान, वो मृत्युदंड को टोटली क्या कर सकता है, माफ कर सकता है या उसको कम भी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है, मतलब उसको अध्यादेश जारी तभी कर सकता है जब संसद सत्र में ना हो। हाँ, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 बोलता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में बोलता है। इसमें साफ बोला गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेगा जब संसद सत्र में ना हो। क्यों? क्योंकि अध्यादेश क्या है? अधिधन आदेश, जो कानून के समकक्ष होता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करेगा जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है? तो ये भी सही है। उसके बाद, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि राज्यसभा तब तक भंग नहीं होती जब तक, मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, क्योंकि उसका एक फेमस डायलॉग है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राज्यसभा रहेगी, क्लियर है? तो राज्यसभा को चाहे आपातकाल लगा हो चाहे कोई भी काल लगा हो, भंग नहीं किया जाता, क्लियर है? ठीक, तो तीसरा गलत है। चौथा, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदायों से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करता है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, 1, 2 और 4, ठीक है? क्लियर, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करेगा, ठीक है? कूट देखते हैं।
राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों को सदस्यों के विशेष अधिकार का संरक्षण करता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके कार्यों का संचालन करता है। तो यहाँ पूछ रहे क्या नहीं कर सकता, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा का सभापति भी है ना तो सब कुछ करेगा, बैठक को स्थगित करेगा, प्रवक्ता के रूप में काम होगा, सदस्यों के विशेषाधिकार को संरक्षण करेगा, सब करेगा, मगर चाहे वो उसका प्रमुख ही क्यों ना हो उसको विघटित नहीं कर सकता, डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्या नहीं कर सकता? डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आराम से एकदम कूल माइंड होकर के, ठीक है। चलिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, इसके मतलब इसके कारण क्या है कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य स्थायी सदन है, कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, एक अर्ध सदस्य प्रति तीन वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सदस्यों का पांचवा भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है, सदस्यों का छठवा भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। तो मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा के सदस्य का, एक तो पहली बात है कि इसके सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल, मगर इसके कुछ सदस्य कहने का मतलब है कि एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इनके बदलने के कारण ही राज्यसभा क्या होती है, कभी भंग नहीं होती, वो एक स्थायी सदन के रूप में स्थापित होती है। ठीक है, तो एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। क्लियर है? ठीक है, ओके। इतना लंबा तार है ना इसका, फंसते रहता है पैर में, कहीं गिर मत जाऊं किसी दिन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का कोई सदस्य सदन बनने रहने से निहर्तित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य है। अब यहां पर गेम आप लोग ये खेलोगे कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य कोई सदस्य सदन बने रहने मतलब सदस्य का मतलब सदन का सदस्य बने रहने से निहर्तित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया गया हो, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है, अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत मतदान से प्रवीरत रहता हो। अभी हाल ही में केस हुआ था जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, महाराष्ट्र का केस। ठीक है, शिवसेना वाला मैटर। अब जब उस शिवसेना मैटर अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट्स बॉक्स में, और सब दिया करो। ठीक, एक और क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो उसमें से कुछ ही लोग आंसर देते हैं। क्यों करते हो ऐसा? सब आंसर दिया करो ना यार, तब तो मजा है, तब तो पता चले कि हाँ पढ़ाई कर रहे हो। खाली एक दो लोग आंसर देते हैं, सब दिया करो आंसर, पढ़ रहे हो ना, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, है ना, मेहनत लगती है, फॉर्म भरे हो, अभी ना फ्री किया है पीएससी और व्यापम में उसके लिए पोस्ट के लिए पैसा। ठीक है, बाकी तो पहले तो पैसा फीस फॉर्म के लिए पैसा भरे हो ना, तो काहे को पैसा वेस्ट कर रहे हो, पढ़ा करो, पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है, माँ बाप की मेहनत का पैसा है वो। ठीक है, क्लियर, दिन भर मेहनत करते हैं तब जा करके कुछ पैसा आता है यार, तो कम से कम उस पैसे की वैल्यू करो। ठीक है, मम्मी पापा के पैसों की वैल्यू करो कि वो कितनी मेहनत से कमा रहे हैं और कितनी मेहनत से आपको दे रहे हैं कि जा बेटा पढ़ाई कर। ठीक है, तो कम से कम उनकी बातों की वैल्यू करो। ओके, इसका आंसर सभी लोग देंगे, मेरे को कम से कम, एकदम बता रहा हूं, कम से कम मुझे इस क्वेश्चन का कम से कम 40 से 50 लोगों के आंसर आना चाहिए, कम से कम 40 के आंसर, मतलब 40 स्टूडेंट मेरे को आंसर इसका जरूर देंगे, कम से कम। सभी लोग देख रहे हो वीडियो, तो आंसर सब दिया करो ना, दो चार लोग आंसर दे देते हैं, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हो यार, टाइम पास मत कीजिए प्लीज। ठीक है, बहुत कम समय है और देख रहे हो ना बहुत मुश्किल से नौकरी लग रही है, तो जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। क्लियर है? हाँ, तो 40 लोगों का मुझे आंसर आना चाहिए इसमें, इस क्वेश्चन का, मतलब कमेंट्स बॉक्स में मुझे 40 आंसर, 40 लोगों के नाम और उसके आंसर दिखने चाहिए, 40 लोगों के लगभग। ठीक है, क्लियर? हाँ, चलो, तो इसका आंसर आप लोग देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों से सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन के लिए स्वतंत्र है, मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड पूछ रहा है और पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों का चयन कर सकता है। तीसरा है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चौथा है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग करने की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास है। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के पास कोई स्वविवेक शक्ति नहीं, ठीक, ओके, वो जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन होगा वो मंत्रिमंडल के सलाह पर होगा, अपने मन से नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई विषय पे कानून बनाना है तो अपने मन से नहीं झाड़ देगा वो, ठीक है, क्लियर है, ओके। हर कोई इंदिरा गांधी के समय में अपने मन से सब कुछ होता था, मगर अभी नहीं, अभी मंत्रिमंडल से ही सलाह लेकर के, मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही सब काम होंगे, तो स्वविवेक का पावर तो है नहीं उसके पास, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला मैटर तो खत्म, ठीक। उसके बाद कौन सा मैटर स्वविवेक वाला कहां गया? एक और, ये सी वाला भी खत्म, पूर्णता स्वविवेक का प्रयोग करता है, ये भी खत्म, दोनों चीज खत्म। अब बच गया ऑप्शन ए और बी, ठीक। तो बी ऑप्शन बोल रहा है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ बिल्कुल भी नहीं कोई परामर्श और अमर्श नहीं करता, ठीक है। वो चुपचाप अपने लोगों से बातचीत करके एक लिस्ट तैयार करेगा, उसको जाकर के राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को बताएगा कि भैया ये मेरा गृह मंत्री बनेगा, ये रक्षा मंत्री बनेगा, ये वित्त मंत्री बनेगा, ये रेलवे मंत्री बनेगा, और उसके बाद फिर उनको शपथ दिलवा देता है, ठीक है। कोई परामर्श नहीं करता राष्ट्रपति से अपने मंत्रिमंडल के गठन के लिए, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है, ठीक। पूरी शक्ति तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में है, तो अपने लोगों का चयन वो खुद ही अपने लोगों से परामर्श करके, ठीक है ना, अपनी पार्टी से परामर्श करके ही लिस्ट तैयार करेगा और उसका जाकर के राष्ट्रपति को सौंपेगा, तो परामर्श तो कर ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए, कि संसद के दोनों सदनों से सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन कर सकता है। हाँ, वो लोकसभा और राज्यसभा, अगर मान लो भाजपा है, ठीक है, तो भाजपा के कुछ सदस्य लोकसभा में है और कुछ सदस्य राज्यसभा में है, ठीक है, तो यहां से वो दोनों को चुन करके मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, जैसे अरुण जेटली को रखा था वो, ठीक है, अरुण जेटली राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक, बट वो क्या थे, मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, क्लियर। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर लोकसभा का ही सदस्य हो तो ही मंत्री बनेगा, नहीं, वो राज्यसभा से भी और लोकसभा से ही अपने लोगों को मंत्री बना सकता है, अपने पार्टी के लोगों को मंत्री पद दे सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्न प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो पहले कथन पढ़ते हैं और उसके बाद कारण देखते हैं अपन, ठीक है। तो कथन क्या है? भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। देखो, कथन कारण वाला जो क्वेश्चन आता है ना, तो इसको सॉल्व करने में ना बिल्कुल हड़बड़ी मत करो। सबसे पहले तो कथन को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है, ठीक, उसके बाद कारण को पढ़ो, ठीक, उसके बाद डिसाइड करो कि कथन सही है, ठीक, कि कारण सही है या दोनों सही है। अब अगर लगता है कि दोनों सही है, ठीक, तो कथन को पहले पढ़ो और उसके बाद कारण से उसको अटैच करो। अगर वो उसका अटैच हो गया, एक सीक्वेंस बन गया कि हाँ इसका रीजन यही आ रहा है, तो ही फिर आंसर देना। डायरेक्ट पढ़ करके आंसर इसका कभी मत देना। तो पहले कथन को पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद कारण को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कूट का मिलान करेंगे कि हाँ इसमें से कौन सा आंसर हो रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो देखो, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण बोलता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। कूट देखते हैं, कूट बोल रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं अपन इसका फिर से कथन। तो कथन बोल रहा है, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल गलत। मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ठीक, और व्यक्तिगत रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ठीक है, ओके। राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है यहां पर, तो राज्यसभा के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होते वो, ठीक है। तो पहला ही कथन क्या हो गया? गलत। अब जब पहला कथन गलत हो गया तो हमको दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा बात है। जब दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आंसर इज डी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्रता रखते हैं, बिल्कुल सही है ये। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, है ना, कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लो भाजपा है तो भाजपा के सदस्य अगर लोकसभा में हैं और राज्यसभा में भी हैं तो भाजपा केवल लोकसभा से ही अपने लोगों को उठाएगी और मंत्री बनाएगी, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये। और राज्यसभा से ही अपने पसंदीदा व्यक्ति को उठा करके मंत्री बना सकती है, तो दोनों सदनों से मंत्री बनाया जा सकता है, किसमें? संघीय सरकार में। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल आर सही है और ए गलत है। क्लियर? चलो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार बता रहा है, यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, दूसरा सदन की कार्यवाही और प्रक्रियाओं का कार्य संचालन करना, तीसरा वाद विवाद और मतदान में भाग लेना, चौथा सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करना। देखो सबसे पहले तो आर्टिकल 110, ठीक, आर्टिकल 110 किसके बारे में बोलता है? धन विधेयक के बारे में बोलता है। तो धन विधेयक को, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको प्रमाणित कौन करेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसको प्रमाणित करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, वही बताता है कि हाँ भैया ये धन विधेयक है, ले आओ इसको अंदर। क्लियर? ठीक, तो पहला सही है। सदन की कार्यवाही प्रक्रियाओं का कार्य संचालन करता है, बिल्कुल सदन लिखा है ना, ध्यान देना यहाँ पर सदन लिखा है, सदन कहने का मतलब एक सदन, एक सदन कहने का मतलब ये लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सदन मतलब अलग अलग ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग सदन, संसद बोलने से तीनों आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तो सदन की बात कर रहा है। तो अपने सदन की प्रक्रियाओं और कार्रवाइयों का संचालन करता है, बिल्कुल सही है। वाद विवाद और मतदान में भाग लेना, ध्यान दो, ठीक। और चौथा बोल रहा है सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति, हाँ सदन की जितनी समिति होती है उसमें सदस्यों की नियुक्ति करने का इसको अधिकार होता है, ठीक। बट वाद विवाद और मतदान में भाग नहीं लेता, वाद विवाद में नहीं पड़ता, उसका तो काम है भैया कि अगर कोई कुर्सी फेंक के मार रहा है तो उसको रोके कि भैया रुक जाओ, हल्ला कर रहे हैं तो रुक जाओ, शांति रखो शांति रखो, और शांति नहीं रखते तो बोलता है जाओ पोस्टपोन, स्थगित कर देगा, ठीक। मतदान करने के लिए भी तभी होगा जब दोनों मतलब दोनों का मत क्या हो, जब समान हो तभी फिर उसको चांस मिलता है, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर? तो वाद विवाद में तो बिल्कुल नहीं पड़ता वो तो वाद विवाद को शांत करने के लिए है ना भैया, उस सदन का वो अध्यक्ष है तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना होने देगा, नहीं मारपीट करो बोल देगा आओ मारो, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा, है ना। तो वाद विवाद को रोकता है वो, भाग नहीं लेता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि वाद विवाद में वो नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्लियर? ठीक, कि ये अधिकार में उसके नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है सीएजी, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, ठीक है। तो आर्टिकल 76 किसके बारे में बोलता है? अटॉर्नी जनरल के बारे में बोलता है कि केवल एकमात्र वही ऐसा अधिकारी है जिसे सदन की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार है, परंतु वोटिंग जब होती है तब वो वोटिंग नहीं करता। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल, या इसी को हम बोलते हैं महान्यायवादी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, महान्यायवादी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कथन कौन सा सही है? सीएजी लोकलेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, सीएजी लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है। ऑप्शन केवल एक सही, दो तीन सही, एक तीन सही और एक दो तीन सही। पहली बात तो है कि केवल महान्यायवादी भाग लेता है तो वो तो बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है, नहीं,
कोई विस्तृत नहीं है, सिर्फ एक ही है कि वो लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठक में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि CAG की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, PAC करती है, ठीक है। तो PAC इसकी रिपोर्ट की जांच करती है, तो जाता है, बुलाते हैं, बैठता है, सब कुछ काम करता है, क्लियर है। तो उसकी बैठक में वो भाग लेता है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ठीक, केवल एक सही है बस, कि वो उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितनी अवधि के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं? सिंपल है इसका आंसर, डायरेक्ट बता रहा हूं, प्रति दूसरे वर्ष में। आंसर इज बी, कि प्रति दूसरे वर्ष में होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा या लैप्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दोगे क्या? एक काम करो, नहीं नहीं चलो मैं इसका आंसर मैं देता हूं। एक काम करो, दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, ठीक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर मैं तो आंसर बताऊंगा ही आप लोगों को, मजा आएगा। दो क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत अच्छा लगेगा। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मेरे फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है ये, मेरा फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। ओके, दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ठीक, एकदम क्लियर। और लगभग 40 लोग दोगे, लगभग 40 लोग का आंसर चाहिए मेरे को, एकदम 40 स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे कि हाँ सर उस क्वेश्चन का आंसर ये है और इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर भले इसमें नंबर नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखना, पूरा आंसर लिख देना, जैसे इसमें जो भी आंसर होगा, ठीक, तो उसको डायरेक्ट लिखना। जैसे मान लीजिए इसमें आंसर हो गया आपका कि संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा, तो उसको लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर। इसका आंसर आप लोग दोगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चन को मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है, ठीक है। ओके चलिए, ठीक, इसका भी आंसर आप लोग दोगे, मजा आएगा पढ़ने में। तभी तो देखो होता है ना, होमवर्क जब तक नहीं मिलता है, बचपन की यादें कि स्कूल में होमवर्क मिलता था, तभी तो घर जाके पढ़ाई करके थोड़ा सीरियस हो जाते थे हम कि नहीं हमको पढ़ना है, क्लियर, टीचर की डांट पड़ेगी। तो यहां तो मैं डांटने वाला हूं नहीं, ऑनलाइन क्या डांटूं, ऑनलाइन चैट होता है, ऑनलाइन बात होती है, ऑनलाइन डाटा थोड़ी ना जाता है, ठीक है। ओके क्लियर, तो इसका आंसर आप लोग दोगे, दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। चलो और मैं दूसरे वीडियो में ना इसको एक्सप्लेन करूंगा जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया ना ये वाला, ठीक, कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर दिया है तो लोकसभा अगर विघटित हो जाएगा तो संयुक्त सत्र होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, कब होगा, सारा चीज, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्लियर है। चलो दो क्वेश्चन आंसर आप लोग देंगे। संविधान के अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। कूट देख लेते हैं, एक दो तीन चार। चलो देखते हैं आंसर। संविधान के अनुच्छेद 75 कहने का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है ये, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक, उसके बारे में बोल रहा है, तो अब उससे संबंधित है ये। तो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से, ध्यान देना वर्ड क्या लिखा हूं मैं, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी, बिल्कुल। तो पहला सही है कि प्रधानमंत्री ही बताएगा फिर राष्ट्रपति उसको शपथ दिला देगा, क्लियर। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, ठीक, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, हाँ, संसद से भारित होता है वेतन इनका, तो कहां पर निर्धारित होगा, संसद से निर्धारित होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, ठीक है, मंत्रियों द्वारा, एक मिनट, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा सही है बोला है ना, तो मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण, एक दो तीन,
ठीक है, तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच, किसी एक मिनट, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। पहला सही है, मंत्रियों, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्रियों के वेतन भत्ते उदाहरण संतों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा सही है, तो तीसरा सही है। अब यहां बोल रहा है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति की सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। हाँ, कोई अगर राष्ट्रपति की सलाह कोई दिया है, ठीक है ना, राष्ट्रपति सलाह दिया है तो मंत्री उसकी जांच पड़ताल न्यायालय में करेंगे क्या भैया, न्यायालय से करवाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कराएंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 चारों सही है। हाँ, न्यायालय में नहीं की जाएगी जांच पड़ताल, न्यायालय में नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज डी, क्लियर। भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है। कूट देख लेते हैं, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। चलो, भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, बिल्कुल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, तो क्या ये संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत है? नहीं, ये गणतंत्र, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गणतंत्र को डिफाइन करता है कि हम एक गणराज्य है, गणराज्य को डिफाइन करता है, सॉरी गणतंत्र बोल रहा हूं, गणराज्य को डिफाइन करता है, क्योंकि गणराज्य वह राष्ट्र होता है, वैसा राष्ट्र जहां पर राष्ट्र के प्रमुख का निर्वाचन हो। तो हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है, भले वास्तविक नहीं है मगर है प्रमुख, ठीक, सर्वोच्च पद पर है, सबसे उच्च पद पर है वो, तो उसका भी निर्वाचन होता है, भले इनडायरेक्ट हो। तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, संसदीय व्यवस्था में वो शामिल नहीं है। भले हम लोग जरूर बोलते हैं कि संसद जो है तीन से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्था में शामिल है वो, मगर उसका निर्वाचन हो ये संसदीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो चौथा नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है, ठीक, क्लियर, ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना। संसदीय व्यवस्था में शामिल है राष्ट्रपति, मगर यहां बोला है कि राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, तो निर्वाचित रहने के कारण है संसदीय व्यवस्था? बिल्कुल नहीं, ठीक, ये बिल्कुल नहीं है कि निर्वाचित है इसी कारण संसदीय व्यवस्था, नो, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। भारत में संघीय व्याख्या है, आप देखो उससे पहले संसदीय पूछे थे, ठीक है, तो संसदीय प्रणाली हम लोग कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिए हमने। संघीय व्यवस्था कहां से लिया है हमने, तो संघीय व्यवस्था लिया हमने कनाडा से लिया है, ठीक। तो संघीय व्यवस्था है क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, राज्य सरकारों का अस्तित्व है, लिखित और कठोर संविधान है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होना है। अब इसका आंसर देख लो, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ठीक है, सिंपल है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, हाँ, शक्तियों का बंटवारा है, आर्टिकल 50 के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, राज्य सरकार, लोक, केंद्र सरकार, सब में शक्तियां बंटी हुई है। राज्य सरकार की विषय सूची अलग है, केंद्र सरकार की विषय सूची अलग है, वो उस पर अलग कार्य करती है, कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधायिका अलग कार्य करती है, न्यायपालिका अलग कार्य करती है, तो सबकी शक्तियों को बांटा गया है, ठीक है, तो शक्तियां बटी हुई हैं सब में, क्लियर है, सबको अधिकार दिया गया है, इसी कारण क्या है, ये विकेंद्रीकरण है। राज्य सरकारों का अस्तित्व है, हाँ, तभी तो संघीय है ना, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक, इसी कारण उनका अस्तित्व है। भारत किससे मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर के बना है, क्लियर है, तो बिल्कुल सही है। लिखित और कठोर संविधान है, हाँ, लिखित है, कठोर है, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है भारत विश्व का, ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रपति कब निर्वाचित होना है, बिल्कुल गलत, ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, निर्वाचन होना राष्ट्रपति के पद ना तो संसदीय व्यवस्था में है और ना ही संघीय व्यवस्था में है, ध्यान देना, ठीक, क्लियर, निर्वाचित नहीं लिखना चाहिए, निर्वाचित अगर नहीं लिखा होता तो वो आ सकता था, मगर निर्वाचन लिख दिया है, ठीक, वो संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में शामिल नहीं है, ठीक है, वो एक गणराज्य को डिफाइन कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, बजट के विषय में क्या सही क्या है, बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है,
सदन में पुनर्स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। सदन अनुदान मांगों में वृद्धि कर सकता है, सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता। सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। चलो कूट देख लेते हैं। देखो पता बजट के विषय में सही क्या है, ठीक। तो बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है, ठीक है, क्लियर। संसद में पुनर्स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, ओके। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। अब देखो एक काम करते हैं, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि पूछा क्या है, कि सही पूछा है, तो पहले ये देख लो कि क्या नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन रहते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो पहले देख लो क्या नहीं होगा, ठीक है। तो क्या नहीं होगा पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके ऑप्शन को देखेंगे, एकदम सरल तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर ये बोल रहा है कि विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, बिल्कुल गलत, कोई जरूरत नहीं है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, ठीक है। सदन अनुदान मांगों में वृद्धि कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। अनुदान मांगों में तो वृद्धि कर ही नहीं कर सकता। एक बार अनुदान मांग आ गया कि भैया 1,00,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक, तो उसको चुपचाप पारित कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजसभा बोली कि नहीं इसका अनुदान बढ़ा दो, बिल्कुल नहीं। अनुदान मांग एक बार आ गई तो आ गई, वृद्धि नहीं कर सकते उस पे, ठीक है। अगर 100 रुपए आया है कि 100 रुपए निकालना है तो 100 ही रुपए निकालेंगे, भले पता चला 100 जिस समय लाए उस समय बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत कम था, अब ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार आ गया तो आ गया, उस पे हम किसी भी प्रकार का ना कटौती कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो दूसरा नहीं होगा, तो तीसरा चौथा ऑप्शन कट गया। तो तीसरा चौथा ऑप्शन यहां पर है तो ये कट गया, तीसरा ऑप्शन यहां है तो ये कट गया, तीसरा ऑप्शन यहां है तो ये कट गया। ध्यान देना थोड़ा सा, मेरे को यहां पर एक चीज और लेना है, ठीक। सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है ये, तो ये वाला राइट हो गया। सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, हाँ, क्योंकि बजट, क्योंकि आप अगर देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं संभाल पा रहे हो, सरकार क्यों है भैया। सरकार देश चलाने के लिए ना कैसे पैसे खर्चे करने हैं, कैसे इनकम करना है, देश को कैसे विकास की राह पर ले जाना है, आप इन्हीं सब चीजों के लिए बजट बनाते हो ना, कि किन किन चीजों में व्यय करना है, कहां कहां से इनकम होने वाली है। जब आप इसी को ही नहीं ठीक से एक्सप्लेन कर पाओगे, जब बजट ही आपका बिगड़ जाएगा, तो आप कैसे चलाओगे, घर कैसे चलाओगे, देश कैसे चलाओगे, ठीक। तो हटना पड़ेगा आपको, क्लियर है, ठीक। अगर किसी कंपनी का कोई मालिक है, ठीक है ना, अगर वो मालिक, मान लो मालिक बोल रहा हूं, मान लो जो कोई मैनेजर है किसी कंपनी का, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया कंपनी में कैसे ग्रोथ करना है, कैसे कंपनी काम करेगी, आप इस पे प्लान करोगे, इसको चलाओगे। अब मैनेजर क्या कर रहा है कि कंपनी को ठीक से चला ही नहीं पा रहा है, कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है, तो भैया उसको जॉब पे थोड़ा रखेंगे। जब तू कंपनी ही नहीं चला पा रहा है ठीक से, तेरे को जिस काम के लिए रखा गया है तू वही काम नहीं कर रहा है, तो तेरे को उस पोस्ट पे रखने का क्या मतलब, तो उसको क्या करेंगे, उस पद से हटा देंगे, ठीक। तो बजट सरकार का, किसी देश का ऋण होता है, सबसे प्रमुख साधन होता है, उस देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार अगर बजट ही ठीक से नहीं बनाएगी, अगर सदन उसको पारित ही नहीं करेगा, बकवास बोल देगा कि आपका आय कम हो रहा है और आपका व्यय ज्यादा हो रहा है, आपका बजट घाटा ज्यादा हो रहा है, तो क्या मतलब ऐसी सरकार का, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, छठवां सही है। तो अब यहां पर 3-4 सही नहीं है, ठीक। बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक, क्लियर है। तो यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक। क्या गड़बड़ लग रहा है, दूसरा पूर्व बोल रहा है कि सदन में पुनः स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। बजट को अगर पेश कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ठीक। राष्ट्रपति अनुमति देगा तब बजट जाएगा, है ना, क्लियर है। तो हस्ताक्षर तो जब वो सदन से पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, ठीक है। मगर पारित होने से पहले, पेश होने से पहले राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, ठीक है, क्लियर। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, तो यहां पर थोड़ा ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो सही क्या क्या है,
पांच और छह, ऑप्शन को करेक्शन कर लेना, आंसर इसका हो जाएगा एक पांच और छह, ये ऑप्शन होगा इसका, ठीक क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक पांच और छह, विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, नहीं नहीं, ठीक क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक पांच और छह हो जाएगा, ठीक है। चलो सदन के, संसद के एक सदन की गणपूर्ति कितनी होगी, कुल सदस्य का एक बटे दो भाग, कुल सदस्यता का एक बटे तीन भाग, कुल सदस्यता का दो बटे तीन भाग, कुल सदस्यता का एक बटे दस भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी एक बटा दस, सिंपल क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, यही संविधान है, मैं यही चीज बताना चाहता हूँ, संविधान को एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ना है, एकदम शांत माइंड से, तो ही बनेगा क्वेश्चन, वरना 50 बार पढ़ लो संविधान नहीं बनने वाला, लगेगा जरूर कि हाँ पढ़ लिए हैं, पूरा तो कंप्लीट हो गया है, जब क्वेश्चन बनाने बैठो तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, ध्यान देना, ठीक है। इसी कारण शांत दिमाग से, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि हम पहले सरल क्वेश्चन करेंगे यार, उसके बाद फिर हम हाई लेवल पर जाएंगे, रीजन यही था कि पहले सरल क्वेश्चन को तो माइंड में बैठा लें, दिमाग को थोड़ा शांत तो कर लें, जितना दिमाग डिस्टर्ब है उसको सरल क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आए, उसके बाद फिर जाएंगे हाई लेवल पर, क्लियर, ठीक। तो चलो, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य सदस्य को बोलने देता है, दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है, सिंपल बेहतरीन, मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतर प्रश्न, बैठ जाना। देखो मान लो भाजपा और कांग्रेस है, ठीक है, अब क्या है कि भाजपा सरकार में है, ठीक है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, ओके, मोदी मान लो क्या नाम है उसका, अमित शाह, ठीक, मान लीजिए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो अचानक भाषण दे रहे हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, देश में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, ऐसा वैसा करके दशों भाषण दे रहे हैं, क्लियर। अब वहां से कांग्रेस से उठा कौन, राहुल गांधी, राहुल गांधी बोला कि नहीं झूठ है, देश में तो आए दिन झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर वाद विवाद चल रहा है, किसी की हत्या हो रही है, तो कानून व्यवस्था कहाँ है, क्लियर। तो उस पर फिर अमित शाह सफाई दे रहा है, अमित शाह जब सफाई दे रहा है तो बगल से फिर से कांग्रेस से कोई और उठ गया, ठीक, वो भी बकने लग गया, इधर से भी कोई और उठ गया, तो वहां पर अब क्या करता है अध्यक्ष, जो सदन का अध्यक्ष हो, तो क्या करता है, किसी ना किसी एक सदन को बोलता है कि भैया रुक जाओ, उसको बोलने दो, उसको बोलने दो, बोलता है ना, वो मिला बोलेगा अरे बैठ जा तू भाई, उसको बोलने दे, दूसरे और को बोलने दे, बोलता है। तो जब कोई एक जन बोलता है, ठीक है, और उसके बाद उसको रोक कर किसी और को बोलने जब देता है ना अध्यक्ष, ठीक, तो उसको बोलते हैं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, पहले उनको अपना जो भी स्टेटमेंट है उसको क्लियर करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। तो एक जब बोलता है, दूसरे को बोलता है कि भैया रुक जाओ, तो उसको बैठने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बैठ जाना, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैठ जाना, ठीक, अरे आंसर क्या हो जाएगा, बैठ जाना, कि बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, उसको बोलने दो पहले, ठीक। चलो, धन विधेयक के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, पूछा है ना, ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं कूट, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या सही नहीं है पूछा है, मतलब कौन सा रॉन्ग है पूछ रहा है, ठीक। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, यह संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकता है, ठीक, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोककर रख सकती है, ठीक है। देखो यहां पर भी थोड़ा कूट का प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे प्रिंट मिस्टेक हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है, ओके, चलता है। देखो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा, टेंशन मत लो, ये इसका थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है, मैं इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ने से मतलब है ना यार, आंसर से मतलब है ना, ठीक, आंसर आना चाहिए, ठीक है, जो भी नहीं कि कूट में वो लिखा है तो एकदम सही हो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर में लिख दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। धर्म विधेयक के संबंध में क्या सही नहीं है, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो देखो कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, नीचे से लेते हैं, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, हाँ 14 दिन तक बस रोक के रख सकती है, धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110, ठीक,
तो राज्यसभा के कल इतनी अधिकार है कि उसको 14 दिन तक रोक के रख सकती है, और 14 दिन के अंदर अगर उसको पारित नहीं की तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो छठवां क्या है, सही है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई रोल नहीं भैया, आप इस पे साइन करोगे ही करोगे, बिल्कुल नहीं इंकार कर सकता, ठीक है। तो चौथा पांचवा गलत है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक केवल और केवल, मैंने आर्टिकल में पढ़ाया है ना धन विधेयक, ठीक है, तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ, ठीक, पहले राष्ट्रपति से अनुमति होगी, अनुमति के बाद दोस्त लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा अध्यक्ष उसको बताएगा कि हाँ ये सही है, लोक धन विधेयक है या नहीं, बस। तो किसी भी सदन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा। तो चौथा गलत है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, हाँ सही है। यह सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित है, हाँ सदन पारित कर देगा उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। पहला बोल रहा है यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित है, नहीं है, पहले से साइन थोड़ी ना करेगा कि जाओ मैं साइन कर दे रहा हूं। कोई भी विधेयक अगर पेश होगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसमें पहले से साइन थोड़ी ना करेगा, वो तो जब पारित हो जाएगा उसके बाद ही ना उसमें साइन करेगा, ठीक है। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, तो कौन कौन सा सही नहीं है, सही कौन कौन सा नहीं है, एक सही नहीं है, ठीक, चौथा सही नहीं है और पांचवा सही नहीं है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4, 5, ठीक है। दो क्वेश्चन थे जिसके ऑप्शन मैंने गलत ले लिए थे, ठीक है, बट मैं उसको यहां पर सुधार दिया हूं, होता है मिस्टेक, चलती है बातें, आंसर आने से मतलब है आंसर आना चाहिए और हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4 और 5 हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखो माइंड रिंग मत करना, ठीक है, उसके लिए सॉरी है, ओके, माफ कर सकते हो तो कर देना, ओके, ठीक, तुम्हारे ऊपर है, ठीक, माफ कर देना, ओके, सॉरी, अच्छा वर्ड है सॉरी, ठीक, चलो आंसर हो गया इसका। तो क्या क्या सही नहीं है इसमें, पहला, यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, गलत। यह सदन के संसद के किसी भी सदन प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं, गलत। तो 1, 4 और 5 आंसर होगा इसका, ठीक है, क्लियर। चलो, संविधान प्रावधानों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो उच्चतम न्यायालय का पूछ रहे ना, यह अभिलेख न्यायालय है, यह अपील करने की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, इसे स्वयं की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो यह अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय मतलब क्या होता है कि न्यायालय क्या करती है, जो भी केस में सॉल्व करती है, कोई एकदम बहुत ही ऐसा केस होता है जिसको रिकॉर्ड रखना जरूरी हो जाता है, तो अपने कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के बाद वो उसका रिकॉर्ड रखती है, ताकि भविष्य में फिर अगर ऐसा कोई केस हो तो उसको क्या कर सके, वैसी उसको पढ़ करके उसका सुनवाई कर सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय है उसका, ठीक। यह अपील करने की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, अरे सबसे बड़ी अपील न्यायालय है ये, प्रथम अपीलीय न्यायालय कहलाता है ये, तो उच्चतम न्यायालय ये उसका क्या है, आपका अभिलेख न्यायालय, और सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वो, प्रथम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, दूसरा तो गलत हो गया अपना, ठीक। अब इसे स्वयं की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है, बिल्कुल। कई बार ऐसा केस आ चुका है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लेता है, फिर उसको दंडित किया है, चाहे वो उसको माफी मंगवाया या उसको लिखित में बोले कि भैया तुम लिखित में माफी मांगो, इस प्रकार का कई बार ऐसा केस हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर। तो उसको अपनी खुद की अवमानना पर दंडित करने का भी क्या है, अधिकार है, कि अगर उसका अपमान कर रहे हो तो भैया आओ दंड लो, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 3 सही है, तो आंसर इज ए, ठीक, क्लियर। चलो अब देखते हैं, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, राष्ट्रपति लेता है, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा शपथ, भारत का, अरे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति भी शपथ लेता है, उसको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, ठीक। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, क्लियर। स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सदन के सदस्य की शपथ ले चुका होता है, ठीक है। तो स्पीकर शपथ नहीं लेता है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी
राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां पूछ रहा है वो, ठीक है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। चलो ऑप्शन देखते हैं अपन, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर निम्न में कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां हैं, ठीक। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, अरे जब बहुमत दल बहुमत आ गया है तो उसके व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त क्यों करेगा? प्रधानमंत्री वो तभी बोलता, तभी नियुक्त करेगा जब किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती, तब अपने विवेक का प्रयोग करके बोलता है कि भैया भाजपा के पास नहीं है तो भाजपा को बोलेगा कि आओ तुम सरकार बनाओ, कांग्रेस के पास नहीं है तो कांग्रेस को बोलेगा कि आओ तुम एक बार पहले सरकार बनाओ। तो जब किसी को बहुमत नहीं मिल पाता तब वो अपना स्वविवेक का प्रयोग करता है, ठीक। तो पहला तो गलत, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। ऐसे सॉल्व करते हैं, बताऊं कूट के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि मतलब पहले ये देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन कट जा रहे हैं, ये जल्दी सॉल्व हो जाता है ना, जरूरी नहीं है ना भैया हमको तो टिक लगाना है ना, ठीक, जरूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा पढ़े तो ही हमसे बनेगा, नहीं, कुछ एक दो टोक पढ़ने पे ही आंसर आ जाता है, टिक मारो निकलो आगे, ठीक है, क्लियर। तो पहला तो गलत, दूसरा बोला है संसद का अधिवेशन बुलाना, नहीं वो अपने मन से नहीं बुलाता संसद का अधिवेशन, वो अपने मन से कभी नहीं बुलाएगा, ठीक, संसद का अधिवेशन नहीं बुलाता अपने मन से, क्लियर है। राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष बोलेगा या प्रधानमंत्री बोलेगा तो ही वो क्या बनेगा, अपना अधिवेशन बुलाएगा। यार इस क्वेश्चन में भी ना थोड़ा डाउट, ऑप्शन गलत है, प्लीज तीसरी बार माफी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैं हड़बड़ा गया था, मतलब हड़बड़ी तो ये हो गई थी कि ऑप्शन थोड़ा सा हम चूज करने में गलती कर दिया था, अभी मेरे को लग रहा है क्योंकि दूसरा भी गलत है अपना, ठीक है। तो प्लीज उसके लिए बिल्कुल माइंड मत कीजिए, एक आखिरी तीसरी आखिरी बार माफ कर दीजिए, ठीक है, ओके, हो जाता है, मैं आंसर दे दे रहा हूँ, ठीक है, दिक्कत मत करो, मैं आंसर दे दे रहा हूँ, ओके। तो तीसरी बार माफी है, प्लीज ऑप्शन को लेकर के थोड़ा सा माफी है यहाँ पर, क्लियर है। तो उसको बिल्कुल माइंड पे नहीं लेना है, आपको आंसर से मतलब है, मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दूसरा आंसर भी गलत होगा अपना, ठीक, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, मतलब ये चारों ऑप्शन गलत लिया था मैं, नया ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, प्लीज तीसरी बार है ये, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, उसको माइंड पे नहीं लेना है, ओके, क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि अरे सर आप तो ऑप्शन ही गलत ले रहे हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में मत लिख देना अब, ठीक है ना, ओके, कि सर आप तो ऑप्शन ही गलत लिए हो तो इस टाइप का बेइज्जती नहीं करना, क्लियर है, ठीक, माफी मांग रहा हूँ, सॉरी कि हो जाता है, हाँ खैर एक बार होना चाहिए, दो बार होना, तीन बार नहीं होना चाहिए, मगर ये तीसरी और आखिरी बार है, अब ऑप्शन किसी भी मेरे वीडियो में ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है, चलिए माफ कर दीजिएगा बिल्कुल, और लिख देना कमेंट्स में, हाँ सर माफ किए कर, कैसा करके लिख देना, सॉरी लिख देना, ओके, ओ नहीं ये मत लिखना यार, ये मत लिखना, ये लिख देना ओके सर, ओके सर करके लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरे को माफ कर दिए, ठीक है, चलो सिर्फ ओके लिखना, हाँ सर माफ कर दिए मत लिखना, बेइज्जती मत कराना, लिख देना सिर्फ ओके, क्लियर। तो दूसरा गलत, ठीक, किसी विधेयक को आपत्तियों से संसद के पास भेजना, हाँ ये अपना यहाँ पर स्वविवेक का प्रयोग करेगा, तो तीसरा सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति वो अपने स्वविवेक से नहीं करता, वो प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, ठीक। उसके बाद राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। पांचवा, किसी विधेयक को रोक के रखना, हाँ किसी विधेयक को रोक के रख सकता है वीटो पावर के तहत, ठीक, क्लियर। किसी विषय से संबंधित, नहीं सॉरी ये चौथा वाला नहीं होगा ना, सॉरी राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति, ये पांचवा वाला नहीं होगा, सॉरी गलती से बोल दिया मैं, ये तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के करेगा, ठीक, पांचवा वाला ऑप्शन सही है ना, पांचवा वाला ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक। तो तीसरा छठा तो है ही, ठीक, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, हाँ मांग सकता है वो जानकारी, तो तीसरा सही है, छठवा सही है और सातवा सही है, ठीक। उसके बाद सातवा सही है और छठवा भी सही है, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, हाँ ये भी कर सकता है, किसी भी विषय पर विधेयक पर क्या कर सकता है, पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से वो
कह सकता है, क्लियर। इतना काम कर सकता है कौन? राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही है, मतलब किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना। छठवां सही है, किसी विधेयक को रोक के रखना। सातवां सही है, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। और आठवां सही है, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो ये चार ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। यहां आंसर हो जाएगा 3, 6, 7 और 8, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। क्लियर, ओके, ठीक है, ओके लिख देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर माफ कर दिए करके, हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग कब करता है? महाभियोग प्रस्ताव, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयकों पर, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयकों पर, समान मत आने पर, ठीक। अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, तो उससे संबंधित कोई मत का प्रयोग नहीं करता। महाभियोग प्रस्ताव कोई रोल नहीं उसका, ठीक। जब समान मत आता है, जब इक्वल इक्वल वोट पड़ जाता है ना, तब अपने मत का वो क्या करेगा? निर्णायक प्रयोग करेगा। जब मत दोनों तरफ से बराबर बराबर हो जाए, पक्ष विपक्ष दोनों का जब वोट इक्वल हो जाता है, तब वो क्या करता है? अपना निर्णायक मत देता है, ठीक है। क्लियर, ओके। चलो, तो ये था आपका MCQ किसका, पार्ट 5 का, ठीक है। यहां पर 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ठीक। 3 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था, जिसको मैंने सुधार दिया, ठीक है, ओके, क्लियर है। बाकी तो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जो आप 2 आंसर दोगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि वहां पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर आंसर मुझे चाहिए, ठीक, लगभग 40 लोगों के आंसर मुझे चाहिए उस कमेंट्स बॉक्स पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। और वो 3 जो ऑप्शन गलत थे उसके लिए फिर से लास्ट बार सॉरी 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 सॉरी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें फिर से हम लोग उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उसका MCQ करेंगे। तब तक एकदम हार्ड वर्क कीजिए, किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, एंड जाते आते जबरदस्त धन्यवाद बोल दिया जाए, ठीक। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आर्य पार, पैदल या कार, थैंक यू।